दोस्तों, आपने पेन ड्राइव का यूज तो किया ही होगा। कई बार डेटा को ट्रांसफर करने के लिए या फिर खुद के डेटा का बैकअप बनाने के लिए आपने पेन ड्राइव का यूज जरूर किया होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतना छोटा सा डिवाइस जो कि पेन ड्राइव है, इसमें इतना सारा डेटा कैसे स्टोर हो जाता है? साथ ही इतने सारे डेटा को ये इतनी जल्दी कैसे स्टोर कर लेता है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पेन ड्राइव क्या होता है। साथ ही अगर आप पेन ड्राइव को खोलो तो इसके अंदर क्या चीजें होती है जिसकी वजह से ये काम करता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब सबसे पहले बात करते हैं कि पेन ड्राइव क्या होता है। देखो दोस्तों, पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि बहुत ही पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल इन द सेंस कि आप इसे अपनी पॉकेट में रख के कहीं पे भी ले जा सकते हैं और आसानी से कैरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस डिवाइस को हम पेन ड्राइव बोल रहे हैं उसका जो रियल नेम है वो है यूएसबी फ्लैश ड्राइव। तो ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो इन्वेंशन है वो हुआ था 14 नवंबर 2000 में। और एक चीज और कि इसे बेचने वाली जो कंपनी है, जो बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, आईबीएम, तो आईबीएम कंपनी ने इसे फर्स्ट टाइम सेल किया था, वो भी कहाँ पे? यूएसए में। तो ये इसका ओवरव्यू है थोड़ा सा, जो आपका जानना जरूरी है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि यार, ये जो पेन ड्राइव है इसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतनी इफिशियंसी से और इतनी जल्दी वर्क करता है। तो दोस्तों, अगर आप पेन ड्राइव को खोलते हो तो कुछ इस तरीके का ओवरव्यू आपको मिलेगा। अब यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीज होती है। सबसे पहली चीज है यहाँ पे कनेक्टर, जो आपका ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम बोलते हैं कनेक्टर, जिसकी मदद से आप इसे कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करते हो और जिसके बाद इन दोनों का इंटरेक्शन शुरू होता है। अब यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट आता है कंट्रोलर, यानी कि इस पेन ड्राइव के जितना भी एल्गोरिथम है कि ये पेन ड्राइव कनेक्ट होने पे क्या रिएक्ट करेगा, क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कैसे डेटा को इन करेगा, कैसे डेटा को आउट करेगा, ये जो सारी कोडिंग है जो कि प्री डिफाइंड है, ये सारी होती है इस कंट्रोलर के अंदर। और यही जो बाकी के यहाँ पे चिप्स है, जैसे कनेक्टर हो गया या फिर ये जो साइड में आप कंपोनेंट देख रहे हो, इन सबको कंट्रोल करने का जो जिम्मा है वो होता है इस वाले कंट्रोलर पे। तो ये हो गया कंट्रोलर, ये हो गया कनेक्टर। कनेक्टर कनेक्ट करने के लिए, कंट्रोलर जितने भी कंपोनेंट एल्गोरिथम है उनको कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पे ये जो तीसरा कंपोनेंट है जो कि मेन इंपॉर्टेंट है वो है माइक्रोचिप, जिसे आप स्टोरेज चिप भी बोल सकते हो। यानी कि पेन ड्राइव का जो स्टोरेज है 16 GB, 4 GB, 2 GB या फिर 32 GB, ये होता है इस वाले मेमोरी चिप में। तो जो भी डेटा आपका स्टोर हो रहा है ना, ये एक छोटे से यहाँ पे जो आपको कंपोनेंट नजर आ रहा है, जो मेमोरी चिप है, इसमें स्टोर होता है। तो ये माइक्रोचिप है, इसी वजह से जो डेटा है वो काफी ज्यादा स्पीड में जाता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था जो आपका था SSD वर्सेस HDD, तो जिसमें मैंने बताया था कि भैया जो DVD है और जो आपका माइक्रोचिप है उसमें कितना बड़ा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ये माइक्रोचिप है, इसी वजह से जो डेटा है वो आपका काफी ज्यादा स्पीड में और इफिशियंट वे में ट्रांसफर होता है। और इसमें माइक्रोचिप होने की वजह से ही अगर पेन ड्राइव आपके हाथ से गिर जाए या फिर कहीं पे आपने फेंक दिया, कैच एंड कैच भी खेल लो, तो भी आपका ये खराब नहीं होता, क्योंकि माइक्रोचिप जो है वो सेंसिटिव नहीं होती, वो इतनी सॉलिड होती है कि भैया अगर आपका ये जो पेन ड्राइव इधर उधर हिलाया या कुछ किया तो जो डेटा है वो लूज नहीं होता। तो इसलिए काफी ज्यादा इफिशियंटली वे में आपका जो डेटा है वो माइक्रोचिप की वजह से बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाता है, बहुत इफिशियंट वे में, स्पीड में आपका जो डेटा है जो आप स्टोर करते हो या फिर सेंड करते हो बहुत जल्दी यहाँ पे वर्क करता है। तो ये था इसका ओवरव्यू, जहाँ पे तीन मेन चीजें हैं, एक है कनेक्टर, दूसरा है कंट्रोलर और तीसरा है यहाँ पे आपकी मेमोरी चिप। आशा करता हूँ दोस्तों पेन ड्राइव के ऊपर जो ये हमारा टॉपिक था ये आपको क्लियर हुआ हो, कंटेंट समझ में आया हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही एक छोटा सा कमेंट जरूर करें जिसमें आप बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू।